कल रात को हमने कई साल बाद ऑटो पर यात्रा की। यही साला सरवाला जी के सामने आज शायद ये आ गए, आओ इधर आओ, इनकी ऑटो है, क्या नाम है, इधर आओ, जिलेर सिंह, ये यही सिरसा के हैं, हम साला सर मंदिर में बैठे थे, ये आ गए। हमने कहा क्या करते हो, बोले गुरुजी चाय ले आए तुम्हें। हमने कहा ले आओ भैया, तो ये जो है आ गए। हमने कहा क्या करते, बोले गुरुजी ऑटो चलाते हैं। हमने कहा भैया हमने हवाई जहाज पे तो बहुत घूम लिया, ऑटो पे नहीं बैठे यार। इन्होंने हमको सालासर मंदिर से बस स्टैंड तक हमें रात को चाय पिलाने लेवा गए ऑटो पर, लेकिन ऑटो भी इतनी गजब की हवाओं वजन ना सह पाई, बीच ही में इनकी ऑटो धुआं दे गई। हमने कहा ऑटो धुआं क्यों फेंक रही, बोले गुरुजी इसका इंजन खराब है, इंजन नहीं बदल पा रहा। हमने कहा क्यों, बोले पैसा नहीं है, रात को चला पाते हैं, दिन में तो ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो वालों को कोई पूछता नहीं है। तो तुरंत हमने जो है रात को ही गोविंद जी को कहा कि सुबह होते ही कथा बाद में होगी, पहले इनकी नई ऑटो आएगी। और ये जो टीवी पे देख रहे हमने ऑटो हमारे गोविंद जी ने मंगाई है, इनकी ऑटो पुरानी हो गई थी, अब ये नई ऑटो पर चलेंगे। चाबी है क्या, चाबी ले आओ, कैसे हो, जरा माइक दो, जा तुम्हें हम ऑटो सौंप रहे, तुम्हारी पुरानी पे बैठे थे, हमने नई तुम्हें दे दी, अब हम आओ तुम किराया ना लियो। वैसे तुम रात के किराया भी ले चुके हमसे,